अच्छा जी। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो हमने एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बहुत सी डिस्कशन कर ली थी। उसी की कंटिन्यूटी में आखिर कुछ टॉपिक्स आ गए एप्लीकेशन लेयर के, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इनमें से एक जो है वो हमने आज देखना है, पीयर टू पीयर फाइल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अच्छा, इससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे हमने हर लेयर की एड्रेसिंग स्कीम्स देखी हैं, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, ये क्या होते हैं, इनसे हवाले से बहुत सी हमने डिस्कशन कर ली है। उसके अलावा हमने एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर देखा है कि एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर हमारे पास यूजली दो तरह के होते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल हमने देखी थी, जिसमें हमने HTTP और DNS के प्रोटोकॉल की वर्किंग देखी है कि HTTP कैसे काम करता है, उसमें क्लाइंट्स क्या काम करते हैं, सर्वर क्या होता है, देन उनके दरमियान मैसेजेस कैसे एक्सचेंज होते हैं और डेटा कम्युनिकेशन कैसे उसके अंदर होती है। आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो है रिगार्डिंग द पीयर, सेकंड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड द पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि पीयर टू पीयर फाइल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर हमारे पास कोई सर्वर नहीं होता, जो एंड सिस्टम्स होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और ये जो एंड सिस्टम्स होते हैं इस केस के अंदर, इनके वो हम लोग पीयर्स कहते हैं। ये जो पीयर्स होते हैं ये एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं बेस्ड ऑन अगर वो विजिबल होगा, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि जो एंड सिस्टम, अगर ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हो तो बीच में हमें सर्वर्स, ये राउट, इनकी इन्वायरमेंट, सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। जो एंड सिस्टम होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बेस्ड ऑन, अगर ये, जैसे इस केस में आप देखते हैं, ये अगर ये लैपटॉप इसको डिवाइस को विजिबल होगा तो ही ये इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो इसको विजिबल नहीं है वो फिर उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, सेकेंडली ये कि ये अपना आईपी एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, और पीयर टू पीयर की जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कोई भी एप्लीकेशन की अगर बात करें, तो हमारे पास फाइल डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको हम लोग बिट टोरेंट या टोरेंट्स कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास कोई सर्वर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और जो पीयर्स होते हैं वो आपस में डायरेक्टली फाइल इंटरचेंज कर लेते हैं। अच्छा, पीयर टू पीयर फाइल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जाम्पल ली जाती है वो हमारे पास टोरेंट्स की ली जाती है या बिट टोरेंट की ली जाती है। बिट टोरेंट में क्या होता है कि आपके पास एक फाइल होती है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 256 किलोबाइट्स के इक्वल साइज चंक्स के अंदर, ठीक है, ये जो हमारे पास 256 किलोबाइट के चंक्स होते हैं इनको हम लोग ट्रैकर्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। जो फाइल होती है, कोई भी फाइल होगी आपके पास, बेशक जीबीज के अंदर हुई है, टेराबाइट के अंदर हुई फाइल, उसको हमने इक्वल साइज ऑफ चंक्स के अंदर डिवाइड करना है बिट टोरेंट के अंदर। जी जी अच्छा, देन इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे पीयर्स कहते हैं। पीयर्स जो होते हैं यहाँ पे वो दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है सीडर और एक कहलाता है लीचर। बिट टोरेंट केस के अंदर जो सीडर होता है वो एक्चुअली अपलोड कर रहा होता है फाइल को, और जो लीचर होता है वो डाउनलोड कर रहा होता है उसी फाइल को। तो जो सेंड कर रहा होगा उसको हम लोग सीडर कहते हैं, और जो रिसीव कर रहा होगा फाइल को उसको हम लोग लीचर कहते हैं, बिट टोरेंट की जबान के। इसी तरह हमारे यहाँ पे पास ट्रैकर्स होते हैं। ट्रैकर जो होता है वो एक्चुअली जो पार्टिसिपेटिंग पीयर्स होते हैं, मतलब सेंडर हो गया या रिसीवर हो गया, उनका एक तरह से ट्रैक रखता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उनका आईपी एड्रेस और इस तरह की चीज़ें वो अपने पास उन चीज़ों का ट्रैक रखता है। आईपी एड्रेस कितना, कौन से आईपी एड्रेस से कौन सा यूज़र कनेक्टेड है, और वो कितना उसके पास जो फाइल है वो कितनी अमाउंट में उसके पास फाइल है, देन वो कितने स्पीड पे अपलोड या डाउनलोड कर रहा है, तो वो सारा कुछ ट्रैकर अपने पास ट्रैक रखता है। देन जो टोरेंट इस केस में हम लोग कहलाते हैं, वो हमारे पास एक्सचेंजिंग ग्रुप ऑफ चंक्स ऑफ फाइल होता है जो पीयर के दरमियान में एक्सचेंज हो रही होती है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास
सिस्टम है जहाँ पे 100% ऑफ फाइल मौजूद है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 1% या 0% ऑफ फाइल मौजूद है। तो जिनके पास 100% फाइल मौजूद है वो एक्चुअली सीड करेंगे, ठीक है, सीड मतलब अपलोड करेंगे। बाकी जिनके पास फाइल या कुछ फाइल का हिस्सा मौजूद नहीं है तो वो एक्चुअली उसको लीज करेंगे या उसको डाउनलोड करेंगे। उसके लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोज एक गेम है, गेम की कोई एग्जी फाइल उसमें डाउनलोड करनी है, तो जिनके पास वो मौजूद होगी उसके लिए वो पहले सर्च करेंगे यूजिंग कोई भी सर्च इंजन, देन उसके बाद वो उसके पास एक टोरेंट फाइल डाउनलोड होती है और टोरेंट फाइल के अंदर सारे ट्रैकर्स और इस तरह की सारी चीज़ें अपडेटेड होती है कि कौन कौन से यूज़र्स कनेक्टेड हैं, फिर वो ट्रैकर्स के थ्रू ट्रैक करता है उनको और फिर वो फाइल जो होती है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी सर्वर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के अंदर। अच्छा, अब सपोज ये अभी तक आर्किटेक्चर था, इसके अंदर इसमें काफ़ी यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, अब कोई नया यूज़र आ जाता है, जैसे इसके इसमें कोई एलएस आ गई, अब क्या होगा, अब होगा ये कि एलएस चूंकि एक नया यूज़र है वो लिस्ट ऑफ पीयर्स ट्रैकर से ऑब्टेन करेगी कि कौन कौन से इसमें सीडर हैं, कौन कौन से लीचर हैं, वो ऑब्टेन करने के बाद वो अपना जो एक्सचेंज ऑफ फाइल है, अगर उसके पास कुछ पोर्शन ऑफ फाइल हुआ तो वो सीड करेगी और मीन वाइल सेम टाइम पे वो लीच भी कर सकती है, ठीक है। सो एक्सचेंजिंग ऑफ फाइल फिर स्टार्ट कर देगी और जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर वो इसको अपने पास ऐड कर लेगा एज ए पीयर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी वो वाला इशू नहीं आ सकता कि एक नया क्लाइंट आया तो फिर उसको काफ़ी टाइम लगता है ऑथेंटिकेशन और उसमें टूवर्ड्स द सर्वर और सर्वर का वेट करता है। तो इस केस में जो जॉइनिंग पीयर होता है, अगर उसके पास कोई फाइल का चंक मौजूद नहीं है तो वो नो डाउट थोड़ी देर बाद या काफ़ी देर बाद जो है वो ऑब्टेन कर लेगा उसको कुछ पोर्शन ऑफ फाइल को थ्रू डाउनलोडिंग और फिर उसके बाद वो अपने आप को रजिस्टर भी कर लेता है एज ए सीडर और फिर वो सीड करने लग जाता है। अच्छा, जब वो डाउनलोड कर रहा होता है फाइल तो उस केस में क्या होता है कि उसके कुछ पोर्शन ऑफ फाइल जो जितना उसने डाउनलोड कर लिया होता है साथ साथ वो कुछ पोर्शन वो अपलोड भी कर रहा होता है। तो एक टाइम पे एक सेंडर जो होता है एक जो पीयर होता है वो सेंडर भी हो सकता है और वो रिसीवर भी हो सकता है। देन यहाँ पे जो पीयर्स होते हैं वो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट या बेस्ड ऑन देयर चॉइस वो कभी ज्वाइन कर सकते हैं किसी पीयर को और बाद दफा उसको लीव भी कर सकते हैं। यूजली क्या होता है कि एक पीयर के पास जैसे ही वो फाइल डाउनलोड हो जाती है तो वो उसको स्टॉप करके तो वो लीव कर जाता है, ठीक है। ऐसा हम यूजुअली करते यही हैं कि हमारे पास अगर कोई टोरेंट से फाइल डाउनलोड हो गई तो वो डाउनलोड जैसे ही जाती है तो उसके बाद फिर हम उसको स्टॉप करते हैं, मतलब ये उसकी सीडिंग भी बंद कर देते हैं और फिर टोरेंट को भी बंद करके बाद का तो लीव कर देते हैं। एक्चुअली जैसे हम स्टॉप करते हैं तो हम जो कंट्रीब्यूटिंग पीयर होते हैं उनमें से हम निकल जाते हैं और फिर जो होता है बाकी जो रिमेनिंग सीडर्स या लीचर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो सेल्फिशली तौर पे यूजर लीव भी कर सकता है किसी भी टाइम पे जैसे उसके पास फाइल डाउनलोड। अच्छा, इसके अलावा बिटटोरेंट में अगर बात करें तो रिक्वेस्टिंग और सेंडिंग ऑफ फाइल चंक्स की बात करें तो रिक्वेस्टिंग चंक क्या होता है या रिक्वेस्टिंग फाइल क्या होती है, वो किसी भी टाइम पे डिफरेंट पीयर्स के पास फाइल मौजूद होती है तो उनमें से वो रिक्वेस्ट करता है कि जिसके पास वो मौजूद है तो जिसके पास वो मौजूद होती है तो वो कंट्रीब्यूट करने लग जाता है। पीरियोडिकली तौर पे जो क्लाइंट होता है वो हर किसी से जो उसके पास लिस्ट आती है ट्रैकर्स में से पीयर्स की उनमें से हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है पीरियोडिकली तौर पे। अगर ऐसा हो कि किसी के पास भी कंप्लीट फाइल ना हो तो उस केस में फिर जो ओरिजिनल जिसने अपलोड किया होता है तो उससे फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि आपके पास ये वाला पोर्शन ऑफ फाइल भी अपलोड कर लें, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है, 1 in a million आप कह सकते हैं ऐसा कभी हुआ। ये तो हमारे पास रिक्वेस्टिंग चंक थे, जो सेंडिंग चंक्स
की बात करें और फाइल के, उसमें क्या होता है कि सपोज एक यूज़र है वो सेंड कर रहा है अपने तमाम पीयर्स को फाइल, सपोज वो सेंड करता है एक हायर रेट ऑफ डेटा रेट के ऊपर, तो जैसे ही वो हायर रेट पे अपलोड करने लगेगा तो जो उससे कंट्रीब्यूट ले रहे होंगे, मतलब वो अपलोड कर रहा है बाकी उससे जो फाइल डाउनलोड कर रहे होंगे, तो जो इस केस में एलएस है एक्चुअली वो हायर रेट पे सेंड कर रहा है फाइल को, तो वो अपने जो पीयर्स हैं उनके पास वो टॉप 4 पीयर्स के अंदर आ जाएगा कि ये वो पीयर है, ये वो क्लाइंट है जो काफ़ी हायर रेट पे फाइल सेंड कर रहा है, और ये फिर टॉप क्लाइंट्स के अंदर वो हम लोग ये टॉप पीयर्स के अंदर उसे कहते हैं, और ये टॉप 4 पीयर्स होते हैं ये आफ्टर एवरी 10 सेकंड री एवेल्यूएट होते हैं। और इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एलिस काफ़ी फास्टर रेट पे ट्रांसमिट कर रहा है, तो आफ्टर एवरी 10 सेकंड वो ऊपर आता जाएगा या आती जाएगी, तो इस केस में वो एक्चुअली ऐसे क्लाइंट जिनके पास वो फाइल नहीं थी और या मिसिंग फाइल थी, तो इस केस में वो उनको अनचोक करता हुआ तो आपके पास उन क्लाइंट्स के पास भी वो फाइल अवेलेबल हो जाएगी, और टॉप 4 पीयर्स इस टाइम सेलेक्ट होते हैं कि आपके पास आफ्टर एवरी 10 सेकंड री एवेल्यूएट होती है लिस्ट, जिसमें ये चेक किया जाता है कि कौन सा ऐसा क्लाइंट है या कौन सा ऐसा पीयर है जो कि हायर रेट पर सेंड कर रहा है, जो हायर रेट पर सेंड कर रहा होता है उसको हम लोग टॉप 4 पीयर के अंदर शामिल कर रहे हैं। अच्छा, बिटटोरेंट के अंदर एक खसूसियत ये है कि इसको हम लोग बार-बार टिट फॉर टैट भी कहते हैं। टिट फॉर टैट इस वजह से कहते हैं कि कि इसमें क्या होता है कि आपके पास चूंकि जो एलएस है वो काफी हायर रेट पे ट्रांसमिट कर रही थी, तो जैसे ही उसने हायर रेट पे ट्रांसमिट किया तो जो बॉब है उसके पास एक लिस्ट आती है जिसमें वो आफ्टर एवरी 10 सेकंड रीएवेल्यूएट करता है कि मेरे पास हाईएस्ट पीयर्स कौन कौन से हैं, उनमें जब उसने रीएवेल्यूएट किया तो एलएस क्योंकि हायर रेट पर ट्रांसमिट कर रही थी तो उसने उसको अपने पास टॉप 4 के अंदर शामिल कर लिया। तो अब बॉब क्या करेगा, अब चूंकि बॉब के पास वो फाइल मौजूद नहीं थी और वो चोक हो गया था, तो एलएस ने उसको ऑप्टिमिस्टिक तौर पर अनचोक कर दिया इस केस के अंदर, कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था फाइल डाउनलोड करने के अंदर, बाकी पीयर्स स्लो थे, तो एलिस ने हायर रेट पर ट्रांसमिट किया तो एलिस उसके पास टॉप 4 के अंदर शामिल हो गई, और बॉब जब वो अनचोक हो गया, अनचोक मतलब उसके पास काफ़ी स्लोली डाउनलोड हो रही थी, अब उसके पास फास्टर डाउनलोड होगी, और जो एलिस है इस केस के अंदर वो टॉप 4 प्रोवाइडर्स के अंदर उसके पास लिस्ट हो जाती है। तो इस तरह हम लोग ये देख सकते हैं कि जो बिट टोरेंट है उसमें जो ज़्यादा रेट में ट्रांसमिट कर रहा होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ऐसा कोई नहीं हमारे पास सिनेरियो बनता। तो इस केस में अगर कोई यूज़र जिसके पास स्लो स्पीड आ रही हो तो थोड़ी देर बाद उसके पास हायर स्पीड से ऐसे आ जाती है कि कोई ऐसा पीयर आ जाता है जो हायर रेट पर ट्रांसमिट करने लग जाता है, तो जिस वजह से वो उसका जो डाउनलोडिंग रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे पीयर्स फाइंड करते हैं जो कि हायर जिनका अपलोड रेट हो, जैसे जिनका हायर अपलोड रेट होगा तो उनको फिर हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वो लिस्ट कर लेते हैं उनको हम अपने टॉप 4 प्रोवाइडर के अंदर या ट्रैकर्स के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के अंदर एक तो सिंपल सा हमने अभी तक देखा है कि सिंपल सा पीयर टू पीयर नेटवर्क देखा था जिसके अंदर एक सेंट्रलाइज किस्म का एक डेटाबेस था जिसमें जो पीयर टू पीयर की अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो जस्ट फाइल डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब उस फाइल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स। ठीक है, अब हमने काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को अकोमोडेट करना होगा
एक टाइम के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल काम होता है, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल इसका एक सेंट्रलाइज वर्जन डिस्क्राइब करेंगे, देन उसके बाद फिर इसके डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन पे जाएंगे। इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स होते हैं, तो हम लोग हैश टेबल से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन उसका डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैश का क्या होता है, सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल क्या होते हैं, और उसके पीयर्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास एक हैशिंग टेबल बनता है। हैश टेबल ऑब्वियसली आप लोगों ने इससे पहले किसी कोर्स में पढ़ा होगा कि हैश टेबल कैसे बनता है। उसके अंदर ये होता है कि आपके पास ये एक ओरिजिनल की होती है, उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू होती है। इस केस में आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल की है वो किसी यूज़र का नेम है, और वैल्यू जो है वो सपोज उसका CNIC नंबर है, ठीक है। ओरिजिनल की या नेम से हम लोग एक की जनरेट करते हैं। वो की कैसे जनरेट होती है, वो थ्रू द हैशिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं। सपोज इस केस में हमारे पास जो ओरिजिनल की है वो जॉन वॉशिंगटन के नाम से कोई बंदा है, ओरिजिनल की है। इस जॉन वॉशिंगटन के ऊपर अगर आप हैशिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक की जनरेट होके आ जाएगी, जो कि जनरेट यूजिंग द हैशिंग फंक्शन, ठीक है। इस की और जो की जनरेट हुई है, ये आपके पास यूनिक की एक तरह से जनरेट होगी। इस केस में यूनिक की हो भी सकती है, बास केस में नहीं भी हो सकती। अगर सिमिलर नेम होगा तो उसकी यूनिक की नहीं होगी। देन ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली इसका CNIC नंबर है। तो हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ती है हैश टेबल बनाने की, वो इस वजह से क्योंकि जब भी आपने सर्चिंग या रिस्टोर करना है इस वैल्यू को या डाटा को इन सर्वर, तो उधर हमारे पास नेम्स के बजाय वैल्यूज स्टोर होती हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग फिर हैश टेबल बनाते हैं। और हैश टेबल में जो ये की जनरेट की जाती है यूजिंग द हैशिंग फंक्शन जनरेट कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास एक तरह से डेटा बेस बन जाता है, ठीक है। अब सपोज ये जो डेटा बेस है इसमें एक की है, एक ओरिजिनल की है, और एक हमारे पास वैल्यू है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यू आपका IP एड्रेस भी हो सकता है, ये वैल्यू आपका CNIC नंबर भी हो सकता है। इस केस में आपको समझाने के लिए सिर्फ CNIC नंबर है। वैसे यूजली नेटवर्क की बात करें तो जो वैल्यू होती है वो यूजली हमारे पास IP एड्रेस होता है, और ये जो की होती है ये यूज़र का ID होता है या उसका MAC एड्रेस हम लोग भी कह सकते हैं। उससे फिर हम लोग जो की से है वो फिर हैशिंग फंक्शन अप्लाई करके तो एक की जनरेट करते हैं, ठीक है। देन इसको अगर हम लोग ये जो भी डेटाबेस पीछे हमने थोड़ा सा देखा, इस डेटाबेस को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन के अंदर इंप्लीमेंट कर लें, इसमें मिलियंस ऑफ पीयर्स कनेक्टेड हों, कैसे कि उनकी की और वैल्यू के थ्रू, तो जो पीयर जो पेयर्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओवर द पीयर्स, और पेयर्स हम लोग बनाते हैं। पेयर्स मतलब ये की और वैल्यू से हम लोग बनाते हैं एक पेयर, और पेयर जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ पीयर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर किसी पीयर ने या किसी यूजर, पीयर का मतलब यहाँ पे यूजर है, किसी पीयर ने इस डेटाबेस के अंदर या टोरेंट के अंदर जाके उसने क्यूरी से सर्च करना है तो उसको एक वैल्यू हम लोग रिटर्न करते हैं। अच्छा, इस क्यूरी को सॉल्व करने के लिए स्मॉल नंबर ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज किए जाते हैं अमंग द पीयर्स, ताकि वो क्यूरी जो उसने पुट की है इन द डेटाबेस उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। और जो पीयर होते हैं वो उनको सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ अदर पीयर्स ही कनेक्टेड होते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक पीयर के पास सारी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होगी, तो मिलियंस ऑफ यूजर्स की इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती, ठीक है। जो उसके पास कनेक्टेड यूज़र होंगे या जो अवेलेबल यूजर है, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास हो सकती है, वो यूजिंग क्यूरी वो सर्च कर सकता है।
पीयर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कभी वो ज्वाइन कर सकते हैं आपको, कभी लीव कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जो लीव करता है उसके अगेंस्ट फिर हम आफ्टर 10 सेकंड बाद रीएवेल्यूशन करके तो फिर उसको चेक करते हैं कि ये टॉप 10 प्रोवाइडर में कौन कौन से मौजूद है हमारे पास। देन जो हमने की वैल्यू असाइन करनी है टू पीयर्स, तो उसमें रूल ये है कि हम जो की वैल्यू जो पेयर है, मतलब पेयर का यहाँ पर मतलब है वैल्यू और जो की जो जनरेट हुई है यूजिंग द हैशिंग फंक्शन, ठीक है। ये जो पेयर है जो हम लोग पीयर को असाइन करेंगे, मतलब क्लाइंट को असाइन करेंगे, वो उसकी क्लोजेस्ट आईडी से मैच होती है, वो उसकी जो यूजर आईडी होती है उसे वो रिप्रेजेंट करती है कि उसका वो क्लोजेस्ट आईडी है। देन यहाँ पे इस रूल को इम्प्लीमेंट करने की जो कन्वेंशन है उसमें ये होता है कि ये जो क्लोजेस्ट का मतलब है वो ये है कि उसका इमीडिएट सक्सेसर कौन है उस की का, मतलब उसके बाद कौन सा यूजर है। तो इस केस में आप देख सकते हैं, सपोज अगर ये 8 पीयर्स हैं, इन 8 पीयर की अगर बात करें तो इनमें अगर सपोज कोई यूजर या कोई पीयर सर्च करता है कि 51 की के साथ, तो जो 51 की है वो 60 को असाइन हुई है, इसी तरह वो यूजिंग द ये की जो है वो हम लोग असाइन करते हैं उसके क्लोजेस्ट आईडी से। अब सपोज अगर आपके पास की जो है वो 51 हो, तो इन के जो सबसे करीब है वो 51 के वो आपके पास 60 है, तो 60 को असाइन जाएगी। 48 भी है मगर 48 जो है वो 50 के बाद आ, तो इसमें 60 और 61 भी जो है वो 60 जो होगा वो आपके पास 60 को असाइन होगी, और अगर 61 हुआ तो वो फिर वापस 1 के पास आके असाइन होगी, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं की वैल्यूज को। अच्छा, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल था। अगर इसी को थोड़ा इस तरह इम्प्लीमेंट करें कि जो पीयर है वो उसको सिर्फ अपने से कनेक्टेड जो से डायरेक्टली कनेक्टेड है पीयर सिर्फ उनका ही पता हो, तो एक तरह से आपके पास सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल बन जाता है, जिसमें आपके पास जो पीयर्स होते हैं उनको सिर्फ अपने सक्सेसर और प्रीडिसेसर्स का ही पता होता है, ठीक है, कि कौन से यूजर डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है। तो इस तरह का भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन जो है सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल की होती है, और सक्सेसर और प्रीडिसेसर की यूजली इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास इम्प्लीमेंट की जाती है इन द ओवरले नेटवर्क, जिसमें आपके पास बिटटोरेंट इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये था आज के हवाले से जिसमें हमने पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया।